ओम शांति। आज तारीख है 30 जनवरी 2021। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा भगवान। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी सेवा करो। बिना हड्डी सेवा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस विहेद की सेवा में ददीची से ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आप का धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट है, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि की तरफ अपनी हड्डी हड्डी सवा करनी है। वरदान है, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा समय को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भाव। डिटेल से है वरदान, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझाने समझने वाले अमन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी मन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो मायाजीत सहज ही हो जाएंगे। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे स्किले बच्चे, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बाबा की मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। अच्छा, फिर से ओम शांति।